हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7, दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम बात कर रहे थे प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के अलग अलग भागों के बारे में बात कर रहे थे, और जितने भी भाग हमने अभी तक पढ़े हैं उनके फंक्शन यानी कि उनके कार्यों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसमें हम देखेंगे कि जो रूट है और लीफ है यानी कि जड़ और पत्ती में क्या संबंध होता है। आपने देखा था पत्ती में आपने वेनेशन पढ़ा था यानी कि सिरा विन्यास पढ़ा था, और रूट में आपने दो प्रकार की जड़ पढ़ी थी जिसमें आपने टैप रूट और फाइब्रस रूट पढ़ा था। तो आपने देखना है कि दोनों में क्या यहाँ पे संबंध होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी तक जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसे एक फिर से रिवाइज कर लेंगे और फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, अभी तक आपने क्या जाना है कि जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि आपने क्या जाना कि प्लांट से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहा होगा, क्या क्या उत्पाद मिल रहा है, क्या क्या लाभ हमें प्लांट से मिल रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपने क्या कहा, प्लांट से हमें भोजन भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रही है, और उसके अलावा और सारी चीजें भी मिल रही हैं, जैसे कि आप रोजमर्रा जीवन में जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, चाहे आप घर बनाने में यूज कर रहे हैं लकड़ी का, चाहे आप ईंधन के रूप में यूज कर रहे हैं, चाहे आप पेपर जो आप जिसमें आप लिखते हैं, आपकी कॉपी हो गई, आपकी बुक हो गई, या जो भी बनता है वो किससे बन रहा है, लकड़ी से बन रहा है। इसके साथ हमने पौधे का वर्गीकरण किया था, और हमने सबसे पहले जो वर्गीकरण किया है वो पौधे के साइज, पौधा का जो आकार है उसके बेसिस पे किया था, और तने के प्रकार के बेसिस पे किया था। जैसे कि सबसे पहले हर्ब्स हमारे पास आए, हमने कहा साइज सबसे छोटा है, सबसे छोटी हाइट जिनकी होगी वो हर्ब्स होते हैं, जिन्हें हमने क्या कहा यहाँ पे, जड़ी बूटी भी कहते हैं। ठीक है, अगर तने कही तो हमने कहा तने बहुत ही कोमल होते हैं और हरे रंग के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आया था वो आया था श्रब यानी कि झाड़ियाँ। हमने कहा इनके जो तने होते हैं वो हर्ब्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन हाइट कैसे अभी भी छोटी है। लेकिन ध्यान रखिए हाइट श्रब से बड़ी होगी, और श्रब से कैसे होंगे तने, थोड़ा सा कठोर होंगे। ठीक है, और लास्ट हमने क्या बात की, हमने कहा पेड़ जो होते हैं, आपको पता है पेड़ की जो हाइट है सबसे बड़ी होती है, इनके जो तने होते हैं बहुत सख्त होते हैं, कठोर होते हैं, जिन्हें की हम लकड़ी के लिए हम क्या करेंगे, यूज करते हैं। इसी के साथ हमने क्रीपर्स और क्लाइंबर्स पढ़ा। हमने कहा क्रीपर्स क्या होते हैं, जमीन पर ही फैल जाते हैं क्योंकि वो खड़े नहीं हो पाते हैं। क्लाइंबर्स क्या है कि ये भी क्या है, खुद से खड़े नहीं हो पाते, लेकिन अगर सपोर्ट मिले तो ये क्या होंगे, ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। अब हमने कहा कि जो लाइफ साइकिल होती है पौधे का, जीवन चक्र होता है, यानी कि कोई पौधा कितने समय तक जीवित रहता है, इसके बेसिस पे हमने अलग अलग प्रकार के प्लांट देखे थे। हमने कहा था एनुअल प्लांट होते हैं, वार्षिक होते हैं, हमने कहा था बाइनियल और पेरिनियल प्लांट्स को हमने यहाँ पे स्टडी किया था। उसके बाद हमने कहा था कुछ पौधों में फूल होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे ही पौधों में फूल आ रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे पौधे भी आपको मिलेंगे जिनमें फूल नहीं आते हैं। तो उसके बेसिस पे हमने क्या सामने कहा, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पादप और अपुष्पीय पादप में हमने क्या क्या अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हमने कहा दो मेन सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। दो हमारे पास सिस्टम आते हैं। रूट सिस्टम में हमने कहा ये मुख्य जड़ है, ये द्वितीय जड़ है जिसे हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी रूट कह रहे हैं। हमने कहा ये है मेन रूट, ठीक है, ये क्या है, मेन रूट है। अब मेन रूट से जो शाखाएं निकल रही हैं उसे हमने कहा द्वितीय जड़ें या सेकेंडरी रूट कहा। सेकेंडरी रूट पर कुछ छोटे छोटे बाल नुमा संरचनाएं होती हैं जिसे हमने रूट हेयर कहा, या जड़ रोम जिसे हम कहते हैं। ये पूरे किसके पार्ट हो गए हैं, रूट सिस्टम के पार्ट हो गए हैं। अब शूट सिस्टम के पार्ट हम देखेंगे। आपने शूट सिस्टम को देखा है, सारे पार्ट को देखे, जैसे कि स्टेम, तना, जैसे कि लीफ यानी कि पत्ती, जैसे कि फ्रूट यानी कि फल, जैसे कि फ्लावर। ठीक है, आपने सारी चीजें देखा है, फ्रूट को देखा यानी कि फल को देखा है, लीफ यानी पत्ती को देखा है, फ्लावर यानी कि फूल को देखा है, बर्ड को आपने देखा है, जहां से कली निकल रही है बर्ड है। हमने कहा नोड क्या है, नोड जहां से नई जो कली निकल रही है उसे हम नोड कहते हैं, और दो नोड के बीच का जो स्थान है उसे हमने क्या कहा, इंटरनोड का। ठीक है, सारे पार्ट्स हो गए हैं। अब हमने क्या किया था, एक एक करके इन पार्ट्स को हमने स्टडी किया था, जिसमें सबसे पहले हमने स्टेम की बात की थी, तने की बात की थी,
सबको पता है कि तना क्या होता है? भूमि से ऊपर वाला जो भाग होता है पौधे का, वो हम उसे क्या कहते हैं? तना कहते हैं। ठीक है, क्या फंक्शन है तने का? एक तो वो पौधे को, प्लांट को स्टेबल रखना, स्थिर रखना, खड़ा रखना, उसे मजबूती प्राप्त करना। इसी के साथ तने से ही सारे भाग निकल रहे हैं, चाहे आप कली की बात करें, आप पत्ती की बात करें, आप फूल और फल की बात करें, सारे क्या हो रहे हैं? तने से ही जुड़े हुए हैं। इसके अलावा क्या करता है तना? जो पानी और जो भोजन है उसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम कर रहा है। यहाँ तक की बात हम जानते हैं, लेकिन आपको एक चीज बताई गई है कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे भी तने होते हैं जो कहाँ होते हैं? मिट्टी के नीचे होते हैं, जैसे कि आलू हो गया है, अदरक हो गया है। अब ये मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि हमें कैसे पता कि आलू एक तना है, हमें कैसे पता अदरक एक तना है? तो हमने कहा जैसे कि आलू है, आलू में क्या होते हैं? आलू की आंख निकलती है, हम साधारण भाषा में कहते हैं, जिसे हम बर्ड कहते हैं। ठीक है, अब जिसमें भी बर्ड निकलती है, आपने क्या कहा जब आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स देखे, तो हमने क्या कहा था? तने से क्या निकल रही है? बर्ड निकल रही है, यानी कि कली निकल रही है। तने से क्या निकल रही है? कली निकल रही है, बर्ड निकल रही है। कुछ ऐसा ही बर्ड कहाँ पे बनता है? आलू में बनता है। अब हमने इसे कट किया, इसे फिर हमने मिट्टी में लगाया, और इसी से क्या हो गया? पूरा जो प्लांट है वो यहाँ पे बन गया है, और नीचे आलू यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, हमने कहा जो तना होता है उसमें क्या निकलती है? उसमें बर्ड निकलती है। पहला ये तो था किसका? आलू का। अब अगर हम अदरक की बात करें, अदरक की बात करें, तो आपने इस प्रकार से क्या देखा? अदरक को देखा, और इस प्रकार से आपने अदरक में क्या देखी है? लाइनिंग देखी है। क्या होती है ये लाइन? हमने कहा नोड। अब कहाँ है नोड? अगर आप देखेंगे, हमने कहा कि क्या है यहाँ पे, प्लांट में नोड पाई जा रही है, और प्लांट के किस भाग में नोड पाई जा रही है? हमने कहा तने में। अब इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं नोड। ठीक है, तो जहां पे नोड पाई जाएगी वो क्या होता है? तना होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आपने क्या देखा कि जिस तने में यहाँ पे बर्ड्स निकल रही हैं, या जिस तने में नोड्स पाई जा रही हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं? तना कह रहे हैं। इंटरेस्टिंग, और सबसे ग्रीन जो पार्ट होता है प्लांट का वो पत्ती होती है। पत्ती में हमने क्या कहा? एक तो हरे रंग की होती है, और क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो पौधा है उसका किचन क्या होगा? पत्तियां होंगी, क्योंकि किचन में क्या होता है? खाना बनता है, और पौधे का खाना कहाँ पे बन रहा है? पत्तियों में बन रहा है। तो हमने क्या कहा कि पौधे की जो पत्तियां हैं वो उसका किचन होती है, क्योंकि वहां पे खाना बनता है। इतनी बात हमें पता है। हमें क्या पता करना है? हमें ये पता करना है कि पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा नोड। क्या है नोड? जहां से नई बर्ड निकल रही है उसे हमने क्या कहा? नोड कहा। ठीक है, नोड कहा। अब पत्ती जिस डंठल के द्वारा तने से जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। ध्यान रखिए, हमने क्या बोला? हमने कहा कि पत्ती जिस तने, जिस डंडी से तने से जुड़ी होती है, ये क्या है? तना है। ये तना है, और इस तने से एक डंडी के माध्यम से पत्ती जुड़ी हुई होती है, उसे हम पेटियोल कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? फिर हमने कहा कि पत्ती, अब ये पत्ती का पूरा डायग्राम आ गया है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी जो बीच वाली जो लाइन होती है, सबसे मोटी वाली, इसे हमने मिड रिब कहा है, और इसकी चारों तरफ जाल जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक को हम क्या कहेंगे? वेन कहेंगे। ठीक है, और बहुत सारी वेन मिलकर के एक क्या बनाती है? पैटर्न बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। तो ये क्या है? आपके पास वेन आ गई है। ये जो साइड साइड में है इसे हम क्या कहते हैं? ब्लेड कहते हैं। ये जो है, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं? टिप कहते हैं। तो ये जो पार्ट है ये आपको क्या करने हैं? ध्यान रखने हैं। अब अगर पत्ती के बारे में आपसे और पूछा जाए, तो हमने कहा कि यहाँ पे दो प्रकार के विन्यास होते हैं। ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जब हम रूट के बारे में पढ़ेंगे, हमने कहा हम रूट और लीफ का क्या करेंगे? कंपेरिजन करेंगे कि दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है दोनों में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है? आपने दो प्रकार के सिरा विन्यास देखने हैं, जिसमें आपने क्या बात की है? आपने बात की है रेटिकुलेटेड वेनेशन की, यानी कि जालिकावत सिरा विन्यास। क्या है? रेटिकुलेटेड वेनेशन कहाँ पाया जा रहा है? इस वाली पत्ती में पाया जा रहा है। ठीक है, अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जालिकावत सिरा विन्यास का मतलब है जाली जैसी बनी हुई है। इस पत्ती में पूरी जाली जैसी बनी हुई है। जो आपको डिजाइन दिख रहा है, जो पैटर्न दिख रहा है, वो पूरा जाली जैसा बना हुआ। अगर हम बात करें पैरेलल वेनेशन की, पैरेलल वेनेशन में क्या हुआ? जाल जैसा नहीं बना है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको, इस प्रकार से।
ये लीफ है तो आपको इस प्रकार से दिख रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक पत्ती इस प्रकार की आपको दिखाई दी जिसमें क्या है चारों तरफ जो शिराएं हैं वो फैली हुई हैं, और एक में आपको दिख रहा है कि लाइनिंग कैसी है, सीधी लाइनिंग है। तो ये क्या है, समांतर शिरा विन्यास है। दोनों प्रकार के शिरा विन्यास को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है? इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि पत्ती के क्या कार्य हैं। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, पत्ती के कार्य में हमने दो कार्य पढ़े थे। हमने कहा कि यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन हो रहा है यानी कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, हमने कहा ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी कच्ची सामग्री चाहिए होती है ये भी आपको बताया जाता है। सबसे पहले क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक है, सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश है, वाटर यानी कि जल है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे चाहिए होता है। चार चीजें चाहिए होती हैं, चार चीजों से क्या बनेगा, फूड यहाँ पे बनेगा। और इस फूड का क्या नाम होगा, हमने कहा इसका नाम होगा ग्लूकोज, ठीक है? और ग्लूकोज के साथ साथ यहाँ पे क्या बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। चलिए नेक्स्ट हमने बात की है किसकी, बर्ड्स को आप जानते हैं बर्ड्स क्या होती हैं। फिर हमने बात की है फूल यानी कि फ्लावर की, ठीक है? फ्लावर की हमने बात की है और हमने कहा कि फ्लावर सबसे रंगीन भाग होता है किसी भी पौधे का। तो इसमें हमने क्या किया था, अलग अलग पार्ट्स पढ़े थे, अलग अलग कवरिंग हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था सबसे पहले क्या आता है, बाह्य दल आता है। क्या होगा, सबसे पहले बाह्य दल आएगा, ठीक है? कहाँ पे बाह्य दल, हमने कहा ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे हम सेपल या फिर बाह्य दल कहते हैं, ठीक है? पहला पार्ट है। फिर हमने कहा कि जो रंगीन पंखुड़ियां होती है, कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, दल कहते हैं, ठीक है? सेकेंड पार्ट हो गया है। तीसरा हमने कहा कि कुछ ऐसे डंडी होंगी और उन डंडी के ऊपर कुछ ऐसे बीज से लगे होंगे जिसे हम स्टेमेन कहेंगे, ठीक है? इसे हमने पूरे को स्टेमेन या पुंकेसर कहा। अब पुंकेसर दो भागों में, हमने कहा डंडी लगी है और डंडी के ऊपर कुछ बीज नुमा संरचना है, तो डंडी को हम कह रहे हैं फिलामेंट यानी कि पुन तंतु, ठीक है? और जो बीज जैसी संरचना है उसे हम कह रहे हैं पराकोश या फिर एंथर हम कह दे रहे हैं, ठीक है? अब हमने कहा एक और पार्ट हमारे पास आता है, वो ये सबसे अंदर वाला पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा, ये थर्ड पार्ट हमने पढ़ा है, और फोर्थ पार्ट हमारे पास आता है पिस्टिल, जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं। तो पिस्टिल के है तीन भागों में विभाजित है, सबसे ऊपर का जो चौड़ा भाग है उसे हम स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं, ये जो ट्यूब जैसी संरचना है उसे हम वर्तिका या स्टाइल कहते हैं, और ये जो उभरा हुआ इस प्रकार से भाग है इसे हम ओवरी या फिर अंडाशय कहते हैं, ठीक है? इतनी बात क्लियर है। ये हमने क्या देखा, फूल के भाग देखे। अब आपने एक एक करके आप पढ़ रहे हैं कि सेपल्स क्या होती हैं, पेटल्स क्या होती हैं, स्टेमेन और पिस्टिल क्या होती हैं, एक एक करके आप इनके कार्य भी जान रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे पास स्टेमेन का डायग्राम आता है, दो पार्ट हमने पढ़े हैं। हमने कहा ऊपर जो यहाँ पे बीज नुमा संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं या फिर पराकोश कहते हैं। अब इस एंथर के अंदर क्या होंगे, इस एंथर के अंदर होते हैं पराग कण, इस एंथर के अंदर होते हैं पराग कण जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है? और ये जो डंडी है ये है फिलामेंट। अब इन पराग कणों को आप ध्यान रखेंगे, पराग कणों का काम क्या होता है। नेक्स्ट हमने बात की है पिस्टिल की, ठीक है? ये पिस्टिल हमारे पास आ गई है। अब जो पराग कणों की हमने बात की थी, हमने कहा था जो पराग कण कहाँ पे हैं, पराग कण थे पराग कोश में, ठीक है, एंथर में थे। अब ये जो पराग कण हैं ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र में चले गए हैं, ठीक है? अब चले गए तो क्या होगा, यहाँ से ये ट्यूब के माध्यम से यहाँ चले जाएंगे कहाँ पे, ओवरी में, और ओवरी के अंदर होती है एग सेल यानी कि अंड कोशिका होती है, एग सेल होगी, एग सेल के साथ फ्यूज होकर के, एग सेल के साथ मिल करके ये क्या बनाएंगे, वहां पे बीज का निर्माण करेंगे। तो क्या है, जो पराग कण है, पराग कण और जो यहाँ पे एग सेल है यानी कि अंड कोशिका है, वो मिलके क्या बनाएंगी, यहाँ पे बीज बनाती है, ठीक है? इतनी बात क्लियर है। इसी के साथ हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनेशन की भी हमने यहाँ पे बात की थी। चलिए
अब हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं, आपने पढ़ लिया है तने के बारे में, पत्ती के बारे में, फूल के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे थे जड़ के बारे में, ठीक है। अब जड़ क्या होती है, हमने कहा भूमि के नीचे वाला जो पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे, जड़ कहेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है, ये सारी क्या है, नीचे आपको जड़े दिखाई दे रही है। अब आप कहेंगे हम कैसे पहचाने कि जड़े कौन सी होती है और तने कौन से होते हैं। हमने कहा यानी कि तने और जड़ में कंफ्यूजन कब होगा, जब हम बात करेंगे भूमि के नीचे वाले कौन सी जड़ें होती हैं, भूमि के नीचे वाले कौन से तने होते हैं। जब भी आप जड़ की बात करेंगे आपको यहाँ पे जड़ रोम दिखाई देंगे इस प्रकार से, जैसे कि आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये क्या है, यहाँ पे जड़ है, आप इसे इजिली पहचान सकते हैं, इसे इजिली पहचान सकते हैं कि ये क्या है, जड़े हैं। जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हो उसमें आप क्या देखोगे, ये जो छोटे छोटे जड़ रोम है, जो रूट हेयर है उसे आप देखोगे। तो जो जड़ होती है उसमें रूट हेयर पाए जाते हैं, जिसमें रूट हेयर पाए जाते हैं इसका मतलब वो क्या है, यहाँ पे जड़ है। इतनी बात क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या कहा, हमने कहा कि जड़ क्या होती है, यहाँ पे आपने कहा रूट्स आर मोस्टली द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि मोस्टली क्या होता है, जो जड़ होती है वो भूमि के अंदर रहती है। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब इसके फंक्शन आपको बताए जा रहे हैं, कार्य आपको बताए जा रहे हैं कि क्या कार्य करते हैं। ये जो जड़ होती है वो पौधे को क्या देती है, पानी देती है और खनिज लवण देती है। कहाँ से, मिट्टी में। आपने क्या कहा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी में यहाँ पे क्या होगा, पानी भी होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं। अब हमने जब पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो हमने कहा था फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे को कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं। चार चीजों की हमने बात की थी, हमने कहा था क्लोरोफिल है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा हमने कहा था CO2 है। तीसरा हमने कहा था सूर्य का प्रकाश है। और चौथा हमने क्या कहा था, हमने कहा था पानी, यानी कि जल। अब ये जो पानी फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है, जो मिट्टी में घुलनशील जल है वहां से आ रहा है। और कौन इसे अवशोषित कर रहा है, हमने कहा कि ये क्या है, जड़ के द्वारा अवशोषित हो रही है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्या बताया जाता है, सम रूट स्टोर फूड एंड बिकम प्लम्प। कुछ कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो कि भोजन को संचित करती हैं और जिसका उपयोग आप भोजन के रूप में करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैरेट है, शलजम है। आप क्या खाते हो, कैरेट को खाते हो, गाजर को आप खाते हो, शलजम को आप खाते हो, क्या है, जड़े हैं। अब क्यों हम इन जड़ों को खा रहे हैं, क्यों हम और जड़ों को नहीं खाते, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि हम सारी ही जड़ों को खाते हैं। कुछ कुछ ऐसे जड़े हैं जिन्हें हम खाते हैं। तो जो भी जड़ें यहाँ पे भोजन को संचित करती हैं, भोजन को स्टोर करती हैं, वो क्या होती हैं यहाँ पे, उन्हें हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, जड़ों की। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट, यानी कि जड़ों के प्रकार, हम देखते हैं कि कितने प्रकार की जड़ें हमारे पास आती हैं। और आप देखेंगे हम दो प्रकार की जड़ों की बात करेंगे। पहली हम बात करेंगे रेशेदार जड़ें, ठीक है, यानी कि फाइब्रस रूट की बात करेंगे, और टैप रूट की बात करेंगे, यानी कि मूसला जड़ें, ठीक है। पहली हमारे पास आ गई है फाइब्रस रूट और दूसरी हमारे पास आ गई है टैप रूट, ठीक है। मेनली दो प्रकार की जड़ों की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फाइब्रस रूट में आपको क्या बताया जा रहा है, रेशेदार का मतलब है जो रेशे जैसी दिखती है। रेशा क्या होता है, जो धागे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशा कहते हैं। आपके पास एक चैप्टर होगा जिसमें आप देखते हैं कि रेशे से तंतु, कुछ ऐसा चैप्टर आपके पास है, यानी कि रेशे से किस प्रकार से कपड़े का निर्माण होता है वो चैप्टर आप देखेंगे। तो उसमें आपने क्या कहा, रेशे का मतलब होता है, रेशे का मतलब हम सीधे सीधे ले सकते हैं धागे से। अब किसी जड़ का नाम अगर रेशेदार जड़े हैं, इसका मतलब है कि वो जड़े कैसी होंगी, धागे नुमा होंगी, धागे जैसी होंगी। धागे जैसी से क्या मतलब है कि वो जड़े कैसी होंगी, पतली पतली होती होंगी, ठीक है, पतली होंगी और फैली हुई होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई जा रहा है। कैसी है, रेशेदार है, पतली पतली है और फैली हुई है, ज्यादा गहराई में नहीं जा रही है। तो आपने क्या पढ़ा, आपने कहा रूट आर ऑफ टू टाइप्स, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। अब फाइब्रस रूट के बारे में हमने क्या पढ़ा, इन द प्लांट लाइक ग्रास द ब्रांचेस ऑफ द रूट कम
आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम सच रूट्स आर नोन एज स्पाइडर्स रूट, यानी कि जो घास जैसे पौधे होते हैं। अब ये भी ध्यान रखिए, जो रेशेदार जड़ें होती हैं या फाइबरस रूट होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। बड़े बड़े पेड़ों में फाइबरस रूट नहीं पाई जाती, छोटे छोटे पौधों में पाई जाती हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जड़ की शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं, ऐसी जड़ों को रेशेदार जड़ें कहते हैं और ये जड़ें बहुत गहराई में नहीं जाती हैं, ठीक है, बहुत गहराई में नहीं जाती हैं लेकिन फैली हुई होती हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए दूसरी जो प्रकार की हमने जड़ पढ़ी वो हमने पढ़ी टैप रूट, ठीक है। तो टैप रूट में क्या होता है, जैसे कि आप टैप रूट का अगर यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की होती है टैप रूट, क्या देखा आपने, बहुत गहराई में गई है। और कैसी है रूट, मोटी है, पतली नहीं है, धागीनुमा नहीं है, बल्कि कैसी है, मोटी यहाँ पे जड़ आपको दिखाई गई है। तो क्या चीजें हमने पढ़ी यहाँ पे टैप रूट के बारे में, हमने कहा इन सम प्लांट्स द ब्रांचेस ऑफ द रूट अराइज फ्रॉम अ थिक स्ट्रक्चर अंडर द ग्राउंड विच इज कॉल्ड द मेन प्राइमरी रूट, ठीक है। कह रहे हैं जो टैप रूट होती है, टैप रूट क्या होती है, मोटी मोटी जड़ें होती हैं और बहुत गहराई में जाती हैं। तो जो बड़ी बड़ी जड़ें हैं या जो मोटी मोटी जड़ें हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। आपने देखा होगा कोई पेड़ अगर उखड़ जाता है तो आपने उसकी जड़ें देखी होंगी, बहुत मोटी होती हैं और बहुत गहराई में जाती हैं। तो उन रूट को हम क्या कहते हैं, उन जड़ों को हम क्या कहेंगे, टैप रूट कहेंगे। जीआईसी कोट कंडारा, आप लोगों को आवाज आ रही है, जीआईसी कोट कंडारा आवाज आ रही है आप लोगों को, जीआईसी कोट कंडारा। अच्छा सिर्फ एक बच्चे को आ रही है जीआईसी कोट कंडारा में, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, जो फ्रंट में बच्चा बैठा है पीछे बातें क्यों कर रहे हैं। चलिए फ्रंट वाले बच्चे की कॉपी कहाँ है, जो लड़का फ्रंट में बैठा है, बच्चे कॉपी कहाँ है आपकी, ऊपर रखिए और पीछे मुड़ के कोई बातें नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम जड़ के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि टैप रूट के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा जो टैप रूट होते हैं उसमें रूट हेयर भी पाए जाते हैं, उसमें लेटरल रूट भी पाई जाती है। क्या होते हैं रूट हेयर, हमने कहा द फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द ब्रांचेस और रूट आर रूट हेयर, जो जड़ में बहुत बारीक बालनुमा संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर कह रहे हैं। लेटरल रूट क्या है, द स्मॉलर रूट्स ऑन द टैप रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट। अब आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा रूट हेयर क्या है या लेटरल रूट क्या है, जब आप इमेज देखेंगे, जब आप डायग्राम देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। प्लांट हैविंग लीव्स विद अ रेटिकुलेट वेनेशन, अब हम लीव के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप देख लेते हैं कि जो रूट है वो किस प्रकार की आपको दिखाई गई है। कहा है कि टैप रूट में एक होती है मेन रूट, ठीक है, एक क्या होती है मेन रूट, जिसे हम प्राइमरी रूट भी कह सकते हैं और मेन रूट भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, पहले बात की गई है किसकी, मेन रूट की। अब मेन रूट से और भी रूट निकलती है जिसे हम द्वितीय जड़े कह रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, द्वितीय जड़े कह रहे हैं। तीसरा हमने पढ़ा है रूट हेयर के बारे में, यानी कि जड़ रोम के बारे में, ये जो आपको धागीनुमा संरचना दिखाई दे रही है क्या है, ये रूट हेयर है यानी कि जड़ रोम है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। जीआईसी कोट कंडारा, फ्रंट में जो लड़कियां बैठी हैं बच्चे बात मत कीजिए। तो हमने क्या कहा, जो मूसला जड़े हैं, मूसला जड़ यानी कि टैप रूट को ही मूसला जड़े हम कह रहे हैं, ठीक है। जो मूसला जड़े हैं वो क्या होते हैं, कुछ पौधों में जड़ की शाखाएं जमीन के नीचे एक मोटी संरचना से निकलती हैं, जिन्हें मुख्य या प्राथमिक जड़ कहा जाता है, ठीक है। ऐसी जड़ों को हम क्या कह रहे हैं, मूसला जड़ कह रहे हैं। अब मूसला जड़ में हमने क्या कहा, क्या होते हैं, जड़ बाल नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, जड़ रोम कहेंगे, ठीक है। चलिए तो जो जड़ रोम है यानी कि जिसे हम रूट हेयर कह रहे हैं, उसे क्या बताया गया है कि जड़ की शाखाओं पर महीन बाल जैसे संरचनाएं क्या होती हैं, जड़ रोम कहलाती हैं, ठीक है। अब लेटरल रूट यानी कि पार्श्व जड़े किसे कह रहे हैं, मूसला जड़ पर छोटी छोटी जड़ों को पार्श्व जड़े कहा जाता है। यहाँ पे इतनी बात क्लियर है सबको कि रूट क्या होती है, रूट के कितने भाग होते हैं, कौन बताएगा मुझे जड़ के बारे में, बताइए। चलिए अब ये ध्यान दीजिए, अब देखिए हमने क्या कहा था, हमारे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि जड़ और पत्ती में किस प्रकार से संबंध होता है। तो देखिए जड़ और पत्ती में क्या संबंध होता है,
अगर यहाँ पे हमने कहा यह पत्ती, अगर पत्ती में इस प्रकार की आप क्या देखेंगे, सिरा विन्यास देखेंगे, कौन सा सिरा विन्यास है ये कौन मुझे बताएगा? जीआईसी कोड कंडारा हाथ खड़े कीजिए, कौन बताएगा? इस प्रकार के सिरा विन्यास को हम क्या कहेंगे, किसे पता है? किसी को नहीं पता, इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान से सुनिए। हमने क्या कहा, इस प्रकार के सिरा विन्यास को हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेटेड सिरा विन्यास या जालिकावत सिरा विन्यास। ठीक है, अब जहां पे जालिकावत सिरा विन्यास होता है वहां पे जो रूट होगी वो किस प्रकार की रूट होगी, हमने कहा यहाँ पे होगी टैप रूट, यानी कि मूसला जड़े। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, अगर यहाँ पे जो पत्ती में सिरा विन्यास है वो जालिकावत सिरा विन्यास है तो जड़ कैसी होगी, मूसला जड़ होगी, टैप रूट यहाँ पे पाई जाएगी। पहली चीज आपको ये दिखाई गई है जो कि आप इस वाली इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है, ये जो पत्तियां हैं, अब पत्तियों में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का सिरा विन्यास है, रेटिकुलेटेड सिरा विन्यास है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, और इसकी जो जड़ें हैं वो कैसी हैं, टैप रूट हैं। टैप रूट का मतलब है कि बहुत गहराई में जाती है। ठीक है, क्या होंगी, बहुत गहराई में जाएंगी, फैली हुई नहीं होती है। पहली बात हो गई है, क्लियर। अब अगर यहाँ पे जो पत्ती है, पत्ती में अगर पैरेलल वेनिशन पाया जाए तो यहाँ पे किस प्रकार की रूट होगी, तो हमने कहा कि वहां पे जो रूट होगी वो होगी फाइब्रस रूट। ठीक है, वहां पे क्या, कौन सी रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो घास के पौधे होते हैं, आपने घास के पौधे देखे होंगे सभी ने, जीआईसी कोड कंडारा देखा आप सबने घास को, किसी ने घास को नहीं देखा? चलिए आप सबसे पहले घर जाके घास को देख करके आएंगे। ठीक है, या जो गेहूं के पौधे होते हैं उन्हें आप देख के आएंगे तो आप क्या देखते हैं, उनमें जो पत्तियां होती है इस प्रकार की दिखाई देती हैं। ठीक है, इस प्रकार की आपको पत्तियां दिखाई देती हैं। आप उनकी, अगर उन पौधों को उखाड़ेंगे जो घास के पौधे होते हैं उन्हें आप उखाड़ेंगे तो जड़ आपको किस प्रकार की दिखाई देगी, रेशेदार जड़ें दिखाई देती हैं। चलिए आप नीचे कीजिए, वो आपको फाइब्रस दिखाई देती है, यानी कि रेशेदार जड़ें दिखाई देती हैं। यानी कि जो छोटे पौधे होते हैं उनमें जो पत्ती है उनका वेनेशन यानी कि सिरा विन्यास कैसा होगा, पैरेलल होगा। जड़ें कैसी होंगी, रेशेदार होंगी, यानी कि फाइब्रस होती हैं। और अगर हम बात करें कि जिनमें जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है उनकी जड़ें कैसी होती है, टैप रूट होती, गहराई में जाती है। तो ये संबंध है किसमें, तने में, पत्ती में और जड़ में। ठीक है, तो आप दोनों इमेजेस को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, सो क्लास हमने आज के चैप्टर में पढ़ा है यहाँ पे कि जो लीफ होती है यानी कि जो पत्ती होती है और जो रूट होती है यानी कि जो जड़ होती है, दोनों में क्या संबंध यहाँ पे पाया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर पत्ती में पैरेलल वेनेशन है यानी कि समांतर सिरा विन्यास है तो उसकी जड़ कैसी होंगी, फाइब्रस होंगी, यानी कि रेशेदार होंगी। अगर पत्ती में जो सिरा विन्यास है वो रेटिकुलेटेड वेनेशन है यानी कि जालिकावत सिरा विन्यास है तो उसकी जो रूट है वो टैप रूट होगी, यानी कि कैसी होगी, यहाँ पे मूसला जड़ होगी। तो आपको क्या करना है, सारे जो टॉपिक हैं उसे आपने रिवाइज करने हैं और डायग्राम भी वहाँ पे बनाना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।